रायगढ़ जिले के सारंगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक पाटले द्वारा थाना सारंगढ़ एवं कोस्टल स्टाफ की संयुक्त टीम ने बटावली में जुआ फड़ पर सुनियोजित तरीके से रेड करवाई कर चार जुआड़ियों को पकड़ कर उनके पास से 80,000 रुपए व ताश पत्ती जब्त किया है। जगदलपुर वन विभाग व पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कर 19 किलोग्राम पेंगुइन स्केल और 6 तेंदुए के नाखून व 4 स्टार कछुए को बरामद कर एक बोलेरो 2 मोटरसाइकिल जब्त की है। कुल मिलाकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बेमेतरा जिले के खुरमुड़ी गांव में एक ट्रक सीधे रास्ते जा रहा था, तभी ब्रेक फेल होने की वजह से हाई टेंशन तार को ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया और तुरंत ही ट्रक में आग लग गई। इस हादसे में ट्रक चालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। राजनांदगांव में शनिवार को ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल के साथ मारपीट करने वाले 3 आरोपियों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। रविवार को आरोपियों का जुलूस निकालकर कोर्ट में पेश कर जेल दाखिल किया गया। बिलासपुर पुराना बस स्टैंड स्थित एक दुकान में रविवार दोपहर अचानक आग लग गई। दुकान की तीसरी मंजिल पर भीषण आग लगने से दुकान में रखे सामान जल गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जब तक आग बुझाई जाती तब तक तीसरी मंजिल में रखे सामान भी जल गए। तहसील कार्यालय रायगढ़ में मारपीट के मामले में चकद्दर नगर पुलिस ने आरोपी भुवन लाल साव को गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश रायगढ़ के न्यायालय में पेश किया, जहां उसे रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। कोरबा स्थित सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक ने लगभग 10 साल पहले युवक की पथरी निकालने की जगह उसे बिना बताए किडनी निकाल ली थी। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत की। जांच में मामला सही पाया गया, जिस पर रामपुर चौकी पुलिस ने फर्जी डॉक्टर एसएन यादव के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। रायपुर के पंडरी थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान चाकूबाजी की घटना में संलिप्त आरोपी दिलकश अली, साइमन सिंह, आशीष बघेल, अविनाश सोनी, साहिल अली एवं विधि के साथ संघर्षरत एक अपचारी बालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके कब्जे में घटना में प्रयुक्त 2 नग धारदार चाकू एवं डंडा जब्त कर उनका जुलूस निकाला। जसपुर जिले में असली सोना दिखाकर नकली सोना खपाकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। कुनकुरी थाने में मीडिया के सामने एसपी विजय अग्रवाल ने मामले पर 4 ठगों की गिरफ्तारी की जानकारी दी। उनसे 2 दर्जन से ज्यादा मोबाइल, 5 बाइक, 40,000 रुपए नकद और नकली सोने के बिस्किट बरामद किए गए हैं। महासमुंद जिले की सरायपाली पुलिस और साइबर सेल ने खैर लकड़ी अवैध तस्करी करने वाले आरोपी को धर दबोचा है। आरोपी के पास से 1 करोड़ से ज्यादा की लकड़ी जब्त की गई है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था, लेकिन पुलिस की टीम ने आरोपी को धर दबोचा। बिलासपुर जिले की हिरनी पुलिस ने डीजल चोरों के खिलाफ अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। 3 डीजल चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से पुलिस ने 1250 लीटर कीमत की 1,16,000 रुपए का डीजल बरामद किया है। पुलिस ने चोरी के डीजल खरीदने वाले 2 आरोपियों से ट्रक भी जब्त की है। महासमुंद जिले के सरायपाली पुलिस ने 6 चोरी की मोटरसाइकिल सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब मोटरसाइकिल की कीमत 3,75,000 रुपए है। दुर्ग जिले के ग्राम भेड़ेसर के पास तेज रफ्तार से आ रहे हाईवे चालक ने रोहिला नामक महिला को चपेट में ले लिया। घटना में उसकी मौत हो गई। मृतिका रोजी मजदूरी करती थी। महिला की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद आसपास के लोगों ने सुबह से दोपहर तक चक्का जाम कर मुआवजा राशि देने की मांग की है।
बिलासपुर जिले की सिविल लाइन पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर होमगार्ड चौक के पास एक स्कूटी सवार दो व्यक्तियों को हाथ में पिस्टल रखकर आने जाने वालों को डराते हुए पकड़कर उनके पास से देसी पिस्टल के साथ दो नग जिंदा कारतूस बरामद किया है। धमतरी जिले के ग्राम नारी मरीकला मोड़ के पास तेज रफ्तार बाइक ओवरटेक करते समय विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक से सीधे जा भिड़ी। दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल है। राजनांदगांव जिले के नेशनल हाईवे बागनदी बस स्टॉप के पास पुलिस नाकेबंदी कर वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही थी, तभी एक संदिग्ध वाहन इनोवा कार रोकने का प्रयास किया गया तो चालक भागने लगा, जिससे उसका पीछे कर घेराबंदी कर रोका गया तो कार से 14 पेटी विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब कीमत लगभग 1,74,000 रुपए के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। रायपुर की मौदापारा पुलिस की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि शारदा टॉकीज गली में शराब दुकान के सामने दो लड़के सस्ते दाम में एक्टिवा वाहन बिक्री करने के फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम ने मौके से दो युवकों से दो नग दोपहिया वाहन तथा कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी से एक वाहन को जब्त किया है। रायपुर की दरसीवा पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर धनेली विधानसभा रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास गांजा बिक्री करने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहे एक व्यक्ति को पकड़कर 2 किलो गांजा जब्त किया है। कृषि और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बड़ौदा बाजार की दो दुकानों को अधिक कीमत पर खाद बेचते पकड़ा है। इसके बाद इन दुकानों का उर्वरक लाइसेंस रद्द कर दिया गया। बड़ौदा बाजार के न्यू जसवाल ट्रेडर्स और बया के विकास ट्रेडर्स में स्टॉक बिल बुक में गड़बड़ी आदि की वजह से 14 दिनों की लाइसेंस निलंबित कर दिया है। रामानुजगंज के सनावाल थाना अंतर्गत ग्राम पीपर पान में ससुराल आए एक युवक का शव रविवार की सुबह घर से कुछ दूरी पर आम के पेड़ से लटका हुआ मिला। ससुराल में युवक का शव मिलने पर मृतक के स्वजन ने हत्या का संदेह जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। बिलासपुर में 3 बच्चों की मां से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी युवक विधवा महिला को ये कहते हुए झांसे में लिया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। इसके बाद 2 साल तक उसका रेप करता रहा, अब शादी से इनकार कर दिया। महिला की रिपोर्ट पर सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पहाड़ी आदिवासी कोरबा महिला की मौत के मामले में कोरबा पुलिस ने पति की शिकायत पर गीता देवी मेमोरियल प्रबंधन के खिलाफ धारा 304A के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया है। अभी नामजद आरोपी नहीं बनाए गए हैं। जांच के लिए गठित की गई टीम की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस इस मामले में आगे कार्रवाई करेगी। गांजे की तस्करी पर बस्तर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। धनपुजी में मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, जब बस को रोककर चेकिंग की गई तो एक महिला मिली, जिसे संदेह के आधार पर एक महिला को पकड़कर जांच की गई तो उसके पास से 10 किलो गांजा बरामद हुआ। फर्जी नायब तहसीलदार बनकर एक दिव्यांग युवक राहुल वर्मा ने रायपुर दुर्ग और धमतरी जिले के कई गांवों में 12 से अधिक लोगों को विभिन्न विभागों में शासकीय नौकरी लगाने के नाम पर 85 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। धमतरी जिले के कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मुंगेली के स्टेट बैंक में किसान के पास से 65,000 रुपए का अज्ञात व्यक्ति ने पार कर दिया। उसने इस पर आसपास के लोगों को जानकारी दी। इसकी रिपोर्ट पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर आरोपियों की तलाश की, जिस पर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल कर 2 आरोपियों को पकड़कर उनके पास से 65,000 रुपए बरामद कर लिया है। लोक निर्माण विभाग ने पुढ़वारी गोगांव रेलवे अंडरब्रिज बनाने में लगे ठेकेदार मेसर्स बीपी प्रॉपर्टीज एवं इंफ्रास्ट्रक्चर को काम में लापरवाही, धीमी गति और कई बार नोटिस दिए जाने के बाद भी काम में उदासीनता बरतने पर टर्मिनेट कर दिया है।